सोमनाथ ऐसा हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में पहले ज्योतिर्लिंग के तौर पर होती है। ये मंदिर इतना भव्य और समृद्ध है कि बाहर से जो कोई भी आता है उसकी पहली नजर सोमनाथ मंदिर पर ही पड़ती है। इसी वजह से सोमनाथ मंदिर पर करीब 17 बार आक्रमण भी हुआ, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। तो चलिए जानते हैं सोमनाथ मंदिर का इतिहास। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिंह, यूनिवर्सल फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। सोमनाथ मंदिर का पूरा नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल के नजदीक स्थित है। सोमनाथ मंदिर एक पवित्र तीर्थस्थल है। कहते हैं कि यहाँ भगवान कृष्ण ने यदु वंश का संहार करने के बाद देह त्याग कर लिया। कहा जाता है कि इसे सबसे पहले सोमदेव ने बनवाया, उस समय ये सोने का था। इसके बाद द्वापर युग में जब श्री कृष्ण गुजरात जाकर बसे, तब उन्होंने लकड़ी से इसका निर्माण कराया। आखिर में महाराजा भीमदेव ने इस मंदिर का पत्थरों से निर्माण करवाया। ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की स्थापना वहीं की गई थी जहां भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। असल में ज्योतिर्लिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है चिन्ह या छवि। ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि इन 12 जगहों पर साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए थे। एक कथा के अनुसार सोम यानी चंद्र ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन वो सभी पत्नियों में से रोहिणी को ज्यादा प्यार और सम्मान दिया करते थे, इसलिए बाकी पत्नियों ने इसकी शिकायत अपने पिता दक्ष प्रजापति से की। एक कन्या को छोड़कर बाकी के साथ अन्याय को देख राजा दक्ष क्रोध में आ गए और उन्होंने चंद्रदेव को शाप दे डाला कि अब हर दिन तुम्हारा तेज कम होता जाएगा। शाप के अनुसार हर दूसरे दिन चंद्र का तेज घटने लगा। ये देखकर चंद्र परेशान हो उठे। फिर उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। आखिर में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्र के शाप का निवारण किया। इस तरह सोम के कष्ट को दूर करने वाले भगवान शिव की स्थापना करवाई गई, जिसका नामकरण सोमनाथ हुआ। चंद्रमा के नाम पर सोमनाथ बने भगवान शिव संसार में सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस मंदिर में शिव साकार लिंग रूप में प्रकट हुए थे। दूसरी कथा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी एक शिकारी ने उनके तलवे में बने पदचिन्ह को हिरण की आंख समझकर तीर मार दिया, जिसके बाद कृष्ण ने यहीं पर अपना देह त्याग दिया। इतिहास। कहते हैं कि यहाँ एक मंदिर ईसा पूर्व से ही अस्तित्व में था, जबकि जिस जगह पर दूसरी बार मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ वो 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने किया। इसके बाद सिंध के अरब गवर्नर अल जुनैद ने इसका विनाश किया। 1815 ईस्वी में इसका गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने तीसरी बार इसका निर्माण करवाया। बाद में इसे लाल पत्थरों से बनवाया गया, लेकिन सोमनाथ पर अल जुनैद द्वारा किए आक्रमण का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता। जबकि नागभट्ट द्वितीय इस तीर्थ स्थान के दर्शन करने सौराष्ट्र आए थे। कहा जाता है कि सोलंकी राजा मूलराज ने 997 ईस्वी में पहले मंदिर का निर्माण करवाया होगा, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सोलंकी राजा मूलराज ने कुछ पुराने मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि कई बार यहां राज करने वाले बाहरी शासकों ने इस मंदिर को काफी क्षति पहुंचाई, लेकिन कुछ राजाओं ने मिलकर इस धार्मिक स्थल की मरम्मत करवाई। सोमनाथ मंदिर को 1024 में महमूद गजनवी ने बुरी तरह तहस नहस कर दिया। वो मंदिर से सोना चांदी हीरे जवाहरात लूटकर अपने देश वापस चला गया। बताया जाता है कि जब महमूद गजनवी उस शिवलिंग को नहीं तोड़ पाया, तब उसने मंदिर के आसपास आग लगवा दी। उस वक्त सोमनाथ मंदिर में नीलमणि के 56 खम्बे लगे थे, जिसमें हीरे मोती के अलावा अलग अलग तरह के रत्न जड़े थे, लेकिन बहुमूल्य रत्नों को लुटेरों ने लूट लिया और मंदिर को भी तहस नहस कर दिया। महमूद गजनवी के मंदिर लूटने के बाद राजा भीमदेव ने इस मंदिर की फिर से प्रतिष्ठा की। 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने भी मंदिर की प्रतिष्ठा की और उसके पवित्रीकरण में पूरा सहयोग किया।
1168 में विजेश्वर कुमार पाल ने जब जैनाचार्य हेमचंद्र सरी के साथ सोमनाथ की यात्रा की तो उन्होंने भी मंदिर में काफी कुछ सुधार करवाए। सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाया। इस तरह जहां भारतीय राजा बार बार मंदिर का पुनर्निर्माण कराने में जुटे थे, वहीं मुसलमान शासक बार बार इसे नष्ट करने पर अड़े थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। उसके सेनापति नुसरत खान ने मंदिर को खूब लूटा। 1395 ईस्वी में गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह भी मंदिर का विध्वंस करने में जुट गया। अपने पिता की राह पर चलते हुए अहमद शाह ने फिर से 1413 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को तोड़ डाला। इस तरह मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर पर लगातार हमले किए। महमूद गजनवी का हमला सबसे ज्यादा चर्चित रहा, क्योंकि उसने हमले के दौरान ना जाने कितने लोगों का कत्ले आम किया। धन की चाह में उसने भारत पर 17 बार हमला किया। उसने लगभग 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। कहते हैं कि उस वक्त लगभग 25000 लोग मंदिर में पूजा करने आए हुए थे। आजादी के बाद पुनर्निर्माण। आजादी के बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश की शान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए सोमनाथ मंदिर का फिर से भव्य निर्माण करवाया। आज के समय में ये मंदिर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की शोभा को बढ़ाए हुए है। सोमनाथ का मूल मंदिर जो बार बार नष्ट किया गया था, वो आज भी अपने मूल स्थान समुद्र के किनारे ही है। भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। सोमनाथ के मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया सोमनाथ का मंदिर है। मंदिर की खासियत। मंदिर के भूगर्भ में सोमनाथ लिंग की स्थापना की गई है। इसके अलावा यहाँ पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा और नंदी की भी मूर्तियाँ स्थापित है। भूमि के ऊपरी हिस्से में शिवलिंग से ऊपर अहिल्येश्वर मूर्ति है। वहीं मंदिर परिसर में गणेश जी का मंदिर है, जबकि उत्तर द्वार के बाहर अघोर लिंग की मूर्ति स्थापित है। नगर के द्वार के पास गौरी कुंड नामक सरोवर है, जिसके नजदीक एक प्राचीन शिवलिंग है। तो दोस्तों, ये था सोमनाथ मंदिर का लंबा इतिहास, जिस पर मुस्लिम शासकों ने बार बार हमला कर सब कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन हिंदू शासकों ने मिलकर हर बार उसका पुनर्निर्माण करवाया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।